ये देख रूम नंबर 10 यही तो घर है। अरे ये कौन सो रहा? कृष्णा के मामा होंगे शायद। मामा सुनिए ना। कौन है वे? कृष्णा है क्या? वो अंदर सो रहा है, जाके उससे मिल लो। चलो। वो देख कुंभकर्ण, सुबह हो गई और अब तक खर्राटे मार रहा है। एक जोर की लात मारता हूँ उसको। हे छोड़ ना। अरे रुक 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 रुक, उसको अभी मत उठा। हमें देखेगा तो खुशी में चिल्लाने लगेगा और उसके मामा डिस्टर्ब हो जाएंगे। आजा इसे खटिया के साथ बाहर ले जाते हैं। चाय रेडी है। मामा खटिया के साथ कहाँ गायब हो गए? मामा मामा मामा, ए तूने मामा या उनके खटिया को देखा है क्या? मुझे क्या पता, मुझे लगा कि तुम थे। उनकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? खटिया पे लेके क्यों जा रहे थे? क्या कहा? मामा को खटिया पे लेके? कौन थे? अरे मुझे क्या पता वो कौन थे, वो तो तुझे पूछ रहे थे। मुझे पूछ रहे थे, जरूर पैसे मांगने वाले होंगे। किस तरफ गए? इस तरफ गए। मैं उनके पीछे जाता हूँ, तुम बाकियों को बुला के लाओ। सुन तो ये बैग लेकर घर जा और मामा जी के साथ बातचीत कर। मैं थोड़ी देर में इसकी धुलाई करके आता हूँ। इसे नहलाएगा तू? अरे नहीं, बड़े प्यार से उठा कर लाऊंगा। तो फिर वो कौन है? के चंद्रू, तू यहाँ क्या कर रहा है? हे, अरे तुझे समझ के हम दोनों ने किसी और को उठाया और मोटे तू यहाँ घूम रहा है? अबे यार तूने मेरे मामा को उठा लिया। अरे छोड़ दो, क्या कर रहा है? मेरे यहाँ का पेट क्या मार रहा है? मामा हे रुको। अरे क्या कर रहा है यार तू? मत मार उसे। नहीं नहीं मत मार। तू यहाँ पे? तो फिर ये कौन है? ये इसका मामा है। चल चल, इससे पहले वो देख ले, तुम लोग भागो यहाँ से। अरे ऐसे कैसे यार, पहले सॉरी तो बोल लेना। पीटने के बाद कोई सॉरी बोलता है क्या? अरे काम कर दिया मुझे। अरे क्या कर रहा है? मम्मी अलग हो जाओ, छोड़ मुझे। आता जाता कुछ है नहीं, आया मुझे निकाल ले, ढंग से निकालना, मैं फंसा हुआ हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जल्दी आओ, जल्दी आओ, मारो इसको, मारो, जल्दी आओ, मारो इसे। अरे अरे रुक जाओ, सुनो, मर जाएगा ये। पहले इसका चेहरा तो देखने दो, कैसी है ये भोली सूरत। दिखा दे बेटा अपना चेहरा जरा। ये क्या है? अरे बाप रे। Hey, ये इसका पिछवाड़ा है, सिर कहाँ है उसे ढूंढो। चलो जल्दी। सुहागरात की फीलिंग आ रही है मुझे। अरे तू, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे मारने की कोशिश कर रहा था? बिल्कुल चुप रहो, बकवास की बातें मत करो। क्या कहा? मैं तो तुम्हें बचाने के लिए आया था, तुम्हें किडनैप करके लोग ले जा रहे थे, इसने अपनी आंखों से देखा है। सही कह रहे हैं, वो दो किडनैपर्स थे। ए, मैं इतनी दूर से यहाँ तुझे ही सबक सिखाने आया हूँ। वो तो तेरी किस्मत अच्छी थी जो तेरा मामा हाथ में आ गया। अरे लेकिन मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? तूने सिंघानिया की बेटी और चंद्रू के बारे में गलत बातें क्यों बताई? तुम लोगों ने उसे सच माना, मैंने तो ऐसे ही मजाक किया था उसके साथ। अरे क्या ये कर रहा? गलती तेरे को बहुत महंगी पड़ेगी, बहुत महंगी। अरविंद छोड़ इसे, तू बीच में मत आ। अरे कोई बटा छोड़ ना, मैं कह रहा हूँ छोड़ इसे। क्यों मार रहा है? अब क्या जान लेगा इसकी? पागल हो गए क्या? सारे फसाद की जड़ यही तो है, तेरे और सिंघानिया की बेटी के बारे में इसी ने बोल बोल के अमृता के कान भरे, तभी तो उसने सिंघानिया को लेटर लिखा। और अब बोलता है कि मजाक कर रहा था, दिल तो करता है इसी समंदर में डुबा के इसे मार। मुझे मारना है तो मारना। ए, बोलना इसे कि मुझे समंदर में फेंक दे। अरे तू खामोश क्यों खड़ा है? ये सब तेरे कहने पर मैंने किया, बताता क्यों नहीं है तू इसे?
तुम्हारी बहन ने सिर्फ तुम्हें उस चिट्ठी के बारे में बताया और कुछ नहीं बताया उसने। ये नहीं बताया कि सिंघानिया की बेटी से अगर इसकी शादी होती है तो उसे क्यों परेशानी है। मैं बताता हूँ तुझे सारी हकीकत, तेरी बहन इससे प्यार करती है, इसे किसी और औरत के साथ वो नहीं देख सकती। लेकिन इसकी सोच उससे बहुत अलग है। इसका मानना है कि एक दोस्त की बहन के साथ प्यार करना अपने दोस्त को धोखा देना है, इसीलिए इसने उसके प्यार को नहीं अपनाया। इसने मुझसे कहा था कि ये सारी बातें मैं उसे बताऊं, मुझे भी ये सही लगा, इसीलिए मैंने वो झूठ उससे कहा ताकि तुझे न लगे कि इसने धोखा दिया। लेकिन अमृता को ये बात समझ में नहीं आई। सिर्फ इसे उसके मन से निकालने के लिए मैंने ये झूठ कहा और ये क्या सिर्फ अपने दोस्त के लिए। तू मुझे मारना चाहता है ना, तो फिर मार डाल, सिर्फ अपनी दोस्ती के लिए मैं ये कुर्बानी देने को तैयार हूं, तैयार हूं मैं। बिना सच्चाई क्या है ये जाने, मैंने तुझ पर हाथ उठा दिया, मुझे माफ कर दे यार। अमृता से जो गलती हुई है उसके लिए मैं तुझसे माफी मांगता हूं। अरे तेरे जैसा नेक और शरीफ लड़का पाकर सिर्फ अमृता ही क्या, पूरा परिवार खुश हो जाएगा। हे, 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 मेरे लिए जिंदगी में दोस्ती से बढ़ के कुछ भी नहीं है, और अगर भगवान भी बीच में आ गया ना तब भी हम ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। बॉस, ये आप इसे इतना धार क्यों कर रहे हो? पेंटिंग छोड़ के कसाई का धंधा शुरू किया है क्या? ये बकरा काटने के लिए नहीं, इंसान काटने के लिए। किडनैपर्स की बोटी बोटी कर दूंगा। सुन, तुम लोग यहीं पे वेट करो, मैं अंकल से जरा बात करके आता हूँ, ठीक है? अरे कृष्ण भाई, आपको कुछ पता चला? बॉस ने मेरी सैलरी 20 रुपए बढ़ा दी है। ये आदमी मुझे फूटी आंख नहीं सुहाता और मामा ने इसकी सैलरी बढ़ा दी। मामा, मामा, आपने उस कामचोर की सैलरी 20 रुपए बढ़ा दी जबकि हमें फ्री में कई काम करने वाले मिल जाते। अबे बिना पैसों के काम कौन करेगा? तेरा बाप करेगा ना, अप्रेंटिस करेगा। अप्रेंटिस? वो क्या होता है, ऑपरेशन है क्या? नहीं, ये लोग बिना सैलरी के काम करते हैं। बिना सैलरी के काम करते हैं? हम एक काम करते हैं, सैलरी वालों का पत्ता काट कर अप्रेंटिस वालों को रख लेते हैं। अब इतने लोगों को मैं कहाँ खोजूंगा? वैसे अगर आप कहो तो मैं 2 लोगों को जानता। अरे मैंने मना कब किया, उन्हें बिल्कुल लेकर आओ, लेकिन एक शर्त है। तुमने कहा उन्हें सैलरी नहीं चाहिए, मैं मान गया। उसी तरह खाने रहने पहनने के लिए मैं नहीं दूंगा, ये तुम मान जाओ। मामा ये बताओ, हम लोग कल कहाँ काम करने वाले? जमीन महल। तो खाने और रहने का इंतजाम आपको करना है क्या? इंतजाम वो लोग करेंगे ना। ऐसा क्या, मैं तो भूल ही गया। तो तुम उन्हें लेकर आओ। चमक रहे, पॉलिश किया है। क्या बक रहा है, क्या चमक रहे हो? बॉस, 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 क्या हो गया? बॉस, वो किडनैपर्स यहाँ पर आ गए। बॉस क्या, वो फिर से आ गए? कहाँ है वो? बॉस, वो पेड़ के नीचे खड़े होकर आपको किडनैप करने का प्लान बना रहे हैं। बॉस तुम चलिए। क्या करना, पकड़ क्यों रहा है? छोड़ मुझे। तू मुझे बचाने के बजाय उन्हें दिखाना चाहता है। मेरी बात सुन, मैं यहीं पर रुकता हूँ, तू एक डंडा लेकर उन लोगों के पास जा। अगर वो मुझे पकड़ने आते हैं तो जल्दी से आकर मुझे खबर दे, जा। क्या मैं अकेला जाऊँ? कौन सा डंडा लेकर जाऊँ? कौन सा डंडा, ये ठीक रहेगा, हाँ ये ठीक है। अबे शैतान, शैतान, तू मुझे पीछे से आकर क्यों डरा रहा है? मैंने कि आपने ये रावण के दरबान की तरह कटार लेके क्यों खड़े हो? एक तो इतनी मेहनत से 2 अप्रेंटिस लेकर आया हूँ। कहाँ है? हे, इधर आओ तुम लोग। अरे मामा, उधर क्या देख रहे हो कटार लेके? क्या हुआ, पंचर हो गया क्या? कहाँ चले गए? सुन चूजे, इस डंडे को अच्छी तरह से पकड़, एक ही झटके में उन्हें खत्म करते हैं। लेकिन किसे? आजा जल्दी से आजा। और ये अप्रेंटिस ही है ना? अप्रेंटिस ही है, APPREN। एग्जाम देने जा रहा हूँ, जो मुझे पूरी थियरी समझा रहा है तू? इसके कहने पर नौकरी मिली है तुम्हें, वो जैसे ही तुम्हें दिखेंगे उन पर सीधे हमला बोल देना, अपने आप को साबित करने का अच्छा मौका है। चलो आ जाओ। ये हमसे क्या करवाना चाहते हैं यार? पता नहीं यार, अब नौकरी चाहिए तो ये सब करना ही पड़ेगा।
बाप रे, ये दोनों बॉस का पीछा कर रहे हैं और बॉस को पता ही नहीं है। इसके पहले ये बॉस को खत्म करें, मैं इन दोनों को खत्म कर दूंगा। अरे वो रहा किडनैपर। रुक गया वो। अरे बाप रे, कहीं इन्होंने बॉस को खत्म तो नहीं कर दिया। अबे इस तरह तू हमसे बच नहीं सकता। कम ऑन चार्ज। अरे अप्रेंटिस, तेरा ध्यान कहाँ है? सॉरी सॉरी। आ जाओ बेटे, आ जाओ। तुम दोनों ही थे ना जिन्होंने मेरे बॉस को किडनैप किया था, और आज तुम दोनों मुझे और मेरे बॉस को मारना चाहते हो। अब तुम्हारा खेल खत्म। अरे इस तरह देख क्या रहे हो, टूट पड़ो इस पर। फोड़ दे बहुत बढ़िया, एक तो गया, दूसरा वाला कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? ये तो गोपाल है। क्या, ये हमारा गोपाल है? तुम लोगों ने इसे क्यों मार दिया? इन्होंने तो बोला टूट पड़ो। अरे बेवकूफ, मैंने किडनैपर को मारने के लिए कहा था, तुमने इसे मार दिया। किसे? अरे वही जो उस दिन मुझे खटिया के साथ उठा कर लेकर गए थे। इसी ने मुझे बताया था कि किडनैपर्स आए हैं और तुम लोगों ने इसे ही मार दिया। अप्रेंटिस कहीं के गोपाल, गोपाल चल उठ जा मेरे लाल। गोपाल गोपाल, तुझे चोट तो नहीं लगी ना? उठ जा, उठ जा, जल्दी से उठ जा। आप कौन है भाई? गोपाल क्या हो गया तुम्हें? ये आपकी बीवी है क्या? ये मेरी बीवी कैसे हो सकता है? हे, कौन सी नस पे मार दिया इसके? अरे मैं तेरा बॉस हूँ नन्हे लाल, और ये कृष्ण मूर्ति है, और तेरा नाम है गोपाल, तू मेरा नौकर है। नौकर? हाँ। मेरी याददाश्त वापस आ गई। सच कह रहा हूँ, मेरी याददाश्त वापस आ गई। ऊपर वाले का शुक्र है। सावधान, ये दोनों कौन हैं? इनके बारे में पूछ रहा है। हाँ। अरे ये दोनों गए गुजरे भूखे प्यासे अप्रेंटिस हैं। ये हमारे साथ फोकट में काम करते हैं। अरे बेवकूफ, कोई ऐसे ब्रेक लगाता है, गिर जाता तो मेरी होने वाली बीवी का क्या होता? ए, क्या रे, चोर क्यों बचा रहा है? तुझे पता है पेंटिंग वाले लोग आ रहे हैं, तो तूने गेट खोला क्यों नहीं बे? चल खोल, अब अंदर खींच ना। लॉरी का ड्राइवर कहता है बैलगाड़ी चलाने के लायक भी नहीं है तू। बात करता है, रुक ले रुक ले। अरे सब लोग बहुत ध्यान से सुनो, ये एक राजमहल है, यहाँ पर रहने वाले लोग खानदानी रईस हैं। इनकी मेहरबानी हुई तो हम भी रईस हो जाएंगे। तुझे तमीज नहीं है कि किस जगह कैसे पेश आते, वो लोग क्या सोचेंगे? अब सुन, हम सबको यहाँ पर बहुत ही शराफत से पेश आना है और अपना काम शांति से करना है, समझ गया ना? ओहो, अरे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, इतना शोर क्यों मचा रहा है भाई? अरे मैंने अभी बताया ना कि ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही मुश्किल से मिला है, लाखों का कॉन्ट्रैक्ट है ये, क्यों तू इसकी बात लगा रहा है? समझता नहीं है, अक्कल नहीं है कि कौन सी चीज कहाँ रखते है। बंदर की तरह कुछ भी कहीं रखते हो और मुझे सताते हो। ऊपर से ये अप्रेंटिस वाले भी आ गए, देख क्या रहा है, चल काम पे लग, गधा कहीं का। ए, तेरा मामा बिना बात के बहुत डांटता है, हम जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? सब कुछ बताया नहीं था तुम्हें? नहीं नहीं, हमें एक महीने तक रुकना चाहिए। एक महीने डांट खाओ, मुझसे नहीं होगा ये सब। चलो कम से कम 15 दिन तक। बिल्कुल नहीं, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, उसके बाद चले जाएंगे। क्या मीटिंग चल रही है? सारा सामान उतर गया क्या है? ऐसे क्या देख रहा है तू? चल काम पे लग। अप्रेंटिस अपने आप को हीरो समझता है। पकड़ना यार, खाली पीली गुस्सा है।
ए सिल्की सिल्की, आगे से ऐसा किया ना तो मारूंगी तुझे। इलू इलू ताता था या, तुम्हारे पास है? मतलब? मैं आके बताता हूँ। ए! क्या है? रुकना। मैं वापस आऊँगा। बाय। बाय।